माई कैसन हो चाहिए भूई ऐसन माई आसमान ऐसन बाप रे पृथ्वी के समान माँ होना चाहिए। पृथ्वी के समान मतलब इस पृथ्वी पर सदाचारी अत्याचारी दोनों रहते हैं। और अभी ध्यान दें पृथ्वी पर सदाचारी अत्याचारी दोनों रहते हैं तो माँ का धर्म ऐसा होना चाहिए कि एक बेटा सिपाही है और एक बेटा बेचारा घर का काम कर रहा है। सिपाही बाबू वही माई के 100 रुपया थमा दी हले आज घरवा करवा करतवा सिपाही अने कुल दूध नहीं थरिया में बड़का चम्मच से घी नहीं थरिया में आज घरवा जोतवा घरवा करवा करतवा ते कह रही माई हमके कही तो रोज हूरत बाटा बोला जेकर कमाई ऐसा नहीं। बाप कैसा होना चाहिए भूई गई सन माई आसमान सन बाप रे पृथ्वी के समान अगर माँ है तो आसमान के समान पिता होना चाहिए। क्यों? आसमान सबको छाया एक समान देता है। सर्विस करने वाला बेटा अगर पिता को चारों धाम करा दिया तो ये धर्म नहीं होना चाहिए पिताजी अंगूठा नहीं लगा दे अजय जीवन भर हर चलो देते जैसिया ना 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 आसमान सबको छाया एक समान देता है। आसमान सबको छाया एक समान पृथ्वी पर हुई गई शर्माई पृथ्वी पर सदाचारी अत्याचारी दोनों रहते हैं। माँ का धर्म ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार से पृथ्वी माँ सदाचारी की रक्षा करती है उतने ही लाड प्यार से अत्याचारी की भी रक्षा। माँ का धर्म ऐसे ही होना चाहिए कि जो सर्विस कर रहा है जो घर का काम कर रहा है जो पागल है लेकिन सब बेटों को एक समान देखे एक समान तब ठीक है। अच्छा अगर पृथ्वी के समान माँ हो आसमान के समान पिता हो तो बेटवा कैसा होना चाहिए भाई बेटा भी कैसा होना चाहिए। बस में सपुत्र माता पिता के बस में रहने वाला बेटा हो बोले क्या कह बस में सपुत्र आरे बल में अकुतर भगवान भी हो याद रखना बस में सपुत्र अबल में अकुतर शस्त्र और शास्त्र जानकार दा बेटा शस्त्र का भी ज्ञाता हो शास्त्र का भी ज्ञाता हो और माता पिता के बस में रहने वाला हो हरे राम राम ऐसा बेटा हो लौकुश की तरह बेटा बनो। लौकुश की तरह कैसे माता सीता जब जंगल में भगवान के वियोग में रोती थी ने ए माता श्री जानकी जी जब राम जी के वियोग में रोती थी तो दोनों लड़के में एक लड़का इधर एक लड़का इधर अपने माई के समझावे माई काहे रो रही हो क्यों रोती हो दोनों लड़के कहे माई को अंक मिटाए कबो। देखो दोनों बालक याद कर रहे माता सीता को रोते हुए देख करके ऐसा बेटा बनाओ कि माई को अंक मिटाए कबो पुरुषार्थ पानी से धोवल जाई तुहरे सथमा रहिया में अजोर देखावल जाई अरे चारी अखिया मिल के हसी है तबे छह अखिया मिल रोवल जाई माई शरमण तुई जनी के ढोवले हम दुई जनी एक ढोवल जाई। लोग उसने कहा माँ एक बेटा श्रवण कुमार थे कि बोलो अकेले माता पिता को कामर पर ढोए नहीं हो राजेंद्र महाराज कि बेचारे रोज दूध लाते अपने यहां से सांप को ना प्रेमी सज्जनों बड़ा बढ़िया दूध लिया मैंने एकदम चकाचक क्या पूछना है, है? केला थे इसलिए लेने आज ले वैसे केला खेले ही नहीं
सूर्य शंकर हाँ भाई हाँ हाँ बहुत सूर्य शंकर भगवान की इसमें रस नहीं होता है, रस किसमें होता है? आके बस में भगवान शिव समान के समान पिता भाई हरने वाला भाई मिल जाते बस में सपुत्र है अबल में अकुतर है शास्त्र और शास्त्र दोनों के जानकार था। बेटा कैसा हो? शास्त्र का भी ज्ञाता हो, शास्त्र का भी ज्ञाता। अच्छा शास्त्र का ज्ञाता का मतलब दिन दुखिया को मार दे, माई दादा को सतावे, माई दादा को मार दे, शास्त्र का असहाय को पीट दे। शस्त्र का प्रयोग ऐसा होना चाहिए, शस्त्र का प्रयोग ऐसी जगह पर करें जिस जगह पर भारत का सड़ी मांस खाने वाला पक्षी किया था। किसी के रोवत देखे आकाश में वो दुखवा उन से न सही रे किससे अरे रावण की धमे का समता पर चूचन पंखन से लड़ी गई ने कह देश वो है सब लोग वो है पर वो दिन कहा चली गई ने अधर्म बचावे पर नारी कहे यही भारत में इधवो मर गई ने। ऐसी जगह पर शस्त्र का प्रयोग कर सारे देवताओं के कान में आवाज पड़ रही थी हाय राम बचाओ हाय राम बचाओ। रावण के भाई के मारे के हिम्मत नहीं ले बोले के बोलो कर क्या यहाँ तक सुग्रीव महाराज के पास आभूषण भी गिराया गया। एक नंबर का भगोड़ा, एक नंबर का कायर, एक नंबर का डरपोक कर किसी का नाम है तो सुग्रीव उठा करके रख लिया लेकिन चार का नाम दौड़ा नहीं, उसको भगवान ने अपना मित्र बनाया। क्यों? सुग्रीव से जैसे ही मित्रता हुई ना तो भगवान ने तुरंत ही कह दिया सखा सोच त्याग बल मोरे असब विधि घटब कार मैं तोरी हमारे ऊपर छोड़ दो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसे कायर से मित्रता करोगे? इससे बढ़िया तो सड़ी मांस खाने वाला पक्षी जटायु है। ये कह रहा कि प्रभु मैं यहाँ बैठा था, ये कबला कुरड़ी की नाई चिल्लाती हुई जा रही थी, आभूषण को गिराई मैं उठा करके रखा हूँ, देख लीजिए। चार कदम दौड़ा नहीं भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण ऐसे ही मित्र की आवश्यकता है। क्यों? कि साथ में जो भी करेगा ये सत्य बोलेगा, कभी झूठ बोलने वाला नहीं है। कि प्रभु में बहुत प्रयास किया, चाहा होता तो झूठ बोल देता, लेकिन हमारे साथ अगर साथ देगा तो सत्यता के साथ देगा। इसलिए भगवान कहते हमको वही प्रिय है निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छले छिद्रन भावा निर्मल मन वाला प्रिय है। तो पृथ्वी के समान माँ हो, आसमान के समान पिता हो, भय हरने वाला भाई हो, बस में रहने वाला बेटा हो, शस्त्र शास्त्र का ज्ञाता हो, लेकिन हमारे बिटिया कैसी हो भाई? ए बिटिया सुनो लोग,
हमारी बेटी कैसी हो जो हमारी राष्ट्र की नींव है, धरोहर है, जड़ है। हमारी बेटी कैसी होनी चाहिए, बिटिया ऐसी होनी चाहिए कि बाप के पगरिया जे ऊंच राखे सभावा में। ऐसी बिटिया बाप के पगरिया जे ऊंच राखे सभावा में। बेटी ऐसन बेटी दोनों कुले उजियारदा। एक कुल को कौन कहे, दो दो कुल में कहीं दाग लगने वाली न हो ऐसी बिटिया। अरे जमाने के देखी देखी आई देवता तरसी जाले, जिंदगी जो देते नाथ ऐसन परिवार दा। हे प्रभु, अगर मनुष्य के वहां जन्म देते हैं तो इसी परिवार में दीजिए, इतना दिव्य परिवार मिले। तो माई ऐसा न होनी चाहिए। आज माई के करेजा दिखा, बेटा के लिए बेटा सेवरी के आश्रम में बैल खा रहा है। सिर्फ सेवरी इतने कही, राम तुमको भूख लगी है, अभी फल लेकर के आ गई। अंदर फल लेने गई, राम रोने लगे और उधर महतारी के अयोध्या में पता चले गई। सुमित्रा जी कह रही रो रही हो, माई क्या कह रही है? सुमित्रा तुम कहती हो रो रही हो, राम सुबह सुबह फल आकर के मांगता था, कलेवा नाश्ता मांगता था, लेकिन आज भोर ही के जागे हुई है। अरे चले पग दुखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है, जागे मग रात की। मेरा राम सुबह जगा होगा। सूरज किरण लागे हर लाल को भी लाने हुई है, कंठ के लागे से झगा फाटे हुई है, गात के आली गर्भ भरी साधे अरे हुई है कोड़े बना माधे। बोला आली अब भई साधे आ हुई है कौने बना बाधे, अरे भाई क्यों न बाधे ही ये फाटे क्यों न बातों के। हमारा कलेजा क्यों नहीं फटा, या तुम्हें बाजी रह गई होती। ये सुमित्रा, मेरा राम मखमल पर सोता था, फूलों पर चलता था, लेकिन आज छोड़ी के घरों न बाटे अरे बना के तरोना तरे, अरे सोए हुई है छोड़ा बिछौना करी पाथ के। मखमल पर सोने वाला आज मेरा राम पत्तों पर सोया होगा। छोड़ी के घरौना हुई है अरे बना के तरौना तरे, सोए हुई है छोड़ा बिछौना करी पाथ के। उधर मार हो रही है, शिवरी जब लगी भगवान को खिलाने, राम जी खा रहे थे राम जी बड़े प्रेम के साथ। राम जी के नेत्रों में आंसू, लक्ष्मण जी ने कहा का है। राम जी ने कहा लक्ष्मण आज हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारी माँ कौशल्या खिला रही है कि सेवरी। पूरे रामचरित मानस में दो ऐसे पात्र हैं जिसको भगवान ने इतनी बड़ी उपाधि दिया है। किसको? दोनों को बड़ा नीच दिखाया गया, एक सेवरी को माँ की दर्जा, भारत के सड़ी मांस खाने वाले पक्षी को पिता का दर्जा। सीता जी के जब खोजत राम जी जंगल में पहुंचे, दंडकारण्य में जटायु जी गिरे थे, तो पिता कहे थे कहे खोजत खोजत जानक के रघुनाथ ही गीध सभी पे में आए, अब देखी लहू से लुहान शरीर कृपा निधि है गतिया कई देना, और तू तो चिरगी के रतिया के गतिया Thank you.
से पूछने लगे भगवान कि आपकी दशा किसने किया है। जटायु जी बताने लगे, नाथ दशानन यह गति कीनी, आते ही सठ जनक सुता हर लीनी। राम जी ने जब जटायु जी से पूछा कि आपकी दशा किसने किया है, तो जटायु जी बताने लगे कि नाथ दशानन यह गति कीनी, आते ही सठ जनक सुता हर लीनी। अलय दक्षिण देशे गयम गोसाई, बिलपते अति कुररी की नाई। जटायु ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, बेटी सीता जी को कह दिया, बिटिया। सीता जी रोने लगी हो, सीता जी जब चोच से मार करके लंकेश रावण को जटायु जी ने गिरा दिया, सीता जी रो रही थी। जटायु के मुख से ऐसे शब्द निकले थे कि सोच करो बिटिया जानी तो, आ कही चोच से वो ही के मारन लागे, आ श्री रघुनाथ के नारे कलाज बचाई के भाग्य सराहन लागे। अपनी भाग्य की कामना करने लगे। तो याद रखना, जब ये जीवन पुरुषार्थ में लग जा, परमार्थ में लग जा, उपकार में लग जा, सेवा में लग जा, तो समझ लेना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। जब किसी की निंदा में लग जा, किसी के पीड़ा में लग जा, किसी के पाप में लग जा, किसी के सताने में लग जा, तो समझ लीजिए हम परमात्मा की कृपा से वंचित है। बल्कि सेवा में लग जा, उपकार में लग जा, तो भगवान की कृपा है। हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जटायु जी को राम जी गोदी में बिठा करके कहते, गोद बिठाई कहे रघुराई, अधन्य जटायु तुम सम को नाही, कही राम काज कारण प्राण त्यागी, अगय अमर पुर सुर बड़ भागी। शिवजी ने कहा, सरकार इनके भेज दिए, शिवरी दुई से पात्र हैं। शिवरी ने कहा, अधम ते अधम, अधम ति नारी तिन महमय मते मंदय अघारी। अधम ते अधम हो प्रभु, हमारी मुक्ति कैसे होगी। राम जी ने कहा, पहली भक्ति हमारी यही है, क्या प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सुमेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु करवा। नौ प्रकार की भक्ति बताई।
भगवान ने बताया, शिव जी ने कहा सरकार अपने जाने से पहले हमको विदा कर दीजिए। राम जी शिव जी को भी विदा किए और हम लोग भी अब भगवान की आरती होगी तो साथ लेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सरजू महारानी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता समाज की जय। समय मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। काली मैया की जय। धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान निज आसन पर जाय के सदा करहु कल्याण केहु दंडवत प्रभु हि सन विनय करहु कर जोर बार बार रघुनायक ही दर्श कराय मोर। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। कभी कभी कल मिस्टेक हो गई जो ऐसे बोले अपनी जगह पर बैठ जाइए। प्रसाद बिना कोई लिए नहीं जाएगा। प्रसाद लीजिए तब आप सभी लोग जाएंगे। हाँ इधर भी पार्टी है। एक लोग इधर ले लीजिए प्रसाद, एक लोग इधर ले लीजिए। पैसा दे दो पैसा।